चलती ट्रेन के एसी कोच से यात्री का सामान हुआ चोरी, ट्रेनों के अंदर सुरक्षा पर उठे सवाल। नमस्कार, मैं आमिर। ट्रेनों में सफर करना आप लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है, चाहे आप स्लीपर में सफर कर रहे हो या फिर एसी बोगी में। आपका सामान सुरक्षित नहीं है और अपने सामान का स्वयं रक्षा करना होगा। ताजा मामला कटिहार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर देखने को मिला, जहां कवि गुरु एक्सप्रेस ट्रेन के एसी बोगी से 1 नंबर कोच में सफर कर रहे 3 यात्रियों का सामान चोरी हो गया है। जब यात्रियों के द्वारा इस मामले में रेल प्रशासन को शिकायत किया तो शिकायत दर्ज किया गया है। फिर कटिहार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचते ही रेल प्रशासन यात्रियों से जाकर पूछताछ करते हुए उनकी शिकायत दर्ज की और अनुसंधान में जुट गई है। एसी टूटा है। मैं अपना सूटकेस यहाँ पीछे जो रख करके यहाँ लेटा हुआ था, कब नींद लग गया मुझे पता नहीं चला और सूटकेस मेरा मुजफ्फरपुर से चोरी हो गया। मैंने एसआरपी आपका सोनपुर को भी कॉल किया। नहीं, ये तो मजाक बना रखा लोग, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये है मेरा टिकट। कल पूरी रात, ठीक है, उल्टा सीधा आदमी, ये AC1 बोगी है। कुछ देर बाद ही उल्टा सीधा आदमी भीड़ कर रहा था। मैं कैंटीन के लोगों को बार बार कंप्लेन कर रहा था कि ऐसे बाहर का आदमी आप क्यों घुसा रहे, हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। वो लोग कुछ केयर ही नहीं कर रहा। कल दोपहर को पहली बार मुझे शक हुआ। मैं यहाँ पर बैठी थी अपनी सीट पे, मेरा खाने का पूरा ट्रे था, मैं सामने बैठी थी। उसी वक्त एक औरत एक बच्चे को लेके आया, मेरे सामने ट्रे लेके भाग रही थी, मैंने उसको पकड़ा। इतना सीरियस मैटर हो जाएगा रात को, मुझे पता नहीं था कि AC1 की बोगी में भी ऐसा होगा। भोर रात से लेके मैं सुन रही थी कि एक औरत यहाँ पर रो रही थी कि उनका लगेज चोरी होगा। उसके बाद पता चला कि और एक आदमी का भी हो गया, तो मैं सुन रही थी, मुझे पता नहीं था क्योंकि मेरे सीट के नीचे मेरा था। तो मैं टॉयलेट जाने के लिए मैं उतरी 1 घंटा पहले, तो नीचे झुका तो देखा मेरा भी पूरा 2 लगेज कुछ है कुछ। मैं 3-4 जगह पे फोन किया, अभी तक कोई RPF का कोई नहीं, कोई हेल्प के लिए नहीं आया, कोई कुछ नहीं। हम लोग स्पोर्ट्समैन है, खेलने के लिए गए थे, हमारा पूरा सर्टिफिकेट्स मेडल्स पूरा जर्सी सारा कुछ उसमें है, वो तो हम पैसे से भी नहीं खरीद सकते। सर, शर्मिष्ठा लाहिड़ी फ्रॉम सिलीगुड़ी। हम नेशनल खेलने के लिए उदयपुर राजस्थान गए थे स्ट्रेंथ लिफ्टिंग खेलने के लिए। हम सब वहाँ से विन करके, नेशनल विन करके सर्टिफिकेट मेडल लेके खुशी खुशी घर पहुँच रहे थे कि मीडिया कवरेज करेगी ऐसा वो, और इसी में ऐसा कुछ हो गया और हम लोगों को कोई हेल्प भी नहीं मिल रहा। हम लोग कितनी देर से यहाँ वहाँ फोन कर रहे सर को, कोई भी नहीं आया। कब सामान चोरी हुई? एक ही टाइम पे, लगभग एक ही टाइम पे चोरी हुआ, भोर रात को। हाँ, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग हम लोग खेलते हैं। हाँ, घर जा रहे हैं हम सब जीत के नेशनल खेल के। अकेले थे? मैं इस बोगी में अकेले थी, हमारे सर दूसरा जितने भी लोग हैं सब बाद के बोगी में थे। शिकायत की? हाँ, फोन में किए थे। आया कुछ? अभी कोई कुछ नहीं। क्या था, क्या मांग, क्या चाहते हैं, क्या मांग? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट सामान में डॉक्यूमेंट्स है, कपड़ा लगता वो तो छोड़ दीजिए, हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट्स है, मेडल्स है, जर्सी है, वो तो हम पैसे से भी नहीं खरीद सकते। इतना साल हम यहाँ पर नेशनल में बाहर इंडिया से बाहर खेले, यहाँ वहाँ नेशनल खेले, वो हम लोगों के ज़्यादा प्रेशर से वो हमें चाहिए। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ हम लोगों को वो वापस दे दीजिए, क्योंकि वो लोग हम पैसे से भी नहीं खरीद सकते।
देखिए हम लोग ट्रेन से एस्कॉर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग प्लेटफॉर्म पे, हमें सूचना मिला है और हम प्लेटफॉर्म पे आए हैं, इसको अटेंड किए हैं, ठीक है। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे सर SRP सर, मतलब TRP वाले सर आए हुए हैं लोग, आगे इनका कंप्लेंट किया जाएगा।